हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी करिकुलम चैनल आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुक्स और ऑथर्स के बारे में और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसमें हम टोटल फिफ्टी क्वेश्चन देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अजय टू योगी आदित्यनाथ सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी शांतनु गुप्ता इन्होंने इस बुक को लिखा है और इन्होंने दो बुक्स और लिखी हैं जिनके टाइटल्स हैं योगी आदित्यनाथ द मोंग हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश सेकंड इज द मोंग हु बिकम चीफ मिनिस्टर ये दोनों बुक्स भी इन्होंने लिखी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिलीज द बुक टाइटल अमृतकाल की ओर ये बुक का टाइटल है इस बुक को किसने रिलीज किया है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज जे पी नड्डा इनका पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज फिनेंस मिनिस्टर्स सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ए के भट्टाचारी इन्होंने इस बुक को लिखा है और इस बुक में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर का रोल हाईलाइट किया गया है कि उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी में पहले तीस साल क्या काम किया है इंडिपेंडेंस के बाद नाइनटीन फोर्टी सेवन से लेके नाइनटीन सेवेंटी सेवन तक चलिए चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हु इज द बुक द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी रस्किन बॉन्ड ने इस बुक को लिखा है तो हमने ऑथर की बात कर ली अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इन्हें अवार्ड मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड 1992 में और उस अवार्ड को दिया गया है एक बुक के लिए और वो बुक का नाम है अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन दहरा नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्हें पद्मश्री अवार्ड 1999 में मिला है और पद्म भूषण अवार्ड 2014 में मिला है फॉर द लिटरेचर एंड एडुकेशन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आर एन भास्कर इन्होंने इस बुक को लिखा है और इस बुक में बताया गया है द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है और थर्ड रिचेस्ट हैं वर्ल्ड के उनके बारे में बात की गई है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टॉम ऑफ सैंड इस बुक के ऑथर कौन है तो ये बुक लिखी है गीतांजलि श्री ने और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद करने वाला ये है कि जो फर्स्ट बुक है इंटरनेशनल बुकर प्राइज में इसको मिला है यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे ये पहली बुक है इंडियन लैंग्वेज की जिसे अवार्ड मिला है नेक्स्ट इज इज़ हु द ऑथर ऑफ द बुक द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सीहन करुण तिलक हु इज द बुक द इंडियन स्टोरी सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बिमल जलन ये बुक इन्होंने लिखी हुई है बुक फियरलेस गवर्नेंस ये किताब किसने लिखी है राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी ने इस बुक को लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक ये बुक लिखी गई है बिल गेट्स के द्वारा ऑप्शन नंबर सी हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी माइकल ओबामा जो कि ये बुक लिखी गई है उनके स्पाउस के द्वारा जो बराक ओबामा के स्पाउस हैं उन्होंने ये लिखी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अम्बेडकर लाइफ तो ये बुक लिखी है ऑप्शन नंबर बी शशि थरूर ने और इनकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइड प्रिजुडाइज एंड पुडेट्री वाई आई एम अ हिंदू थर्ड इज़ हिंदू वे फोर्थ इज़ एन एरा ऑफ डार्कनेस एंड द लास्ट इज द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट इज़ हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक छत्रपति शिवाजी महाराज ये किताब किसने लिखी है तो ये किताब लिखी है श्रीमंद कोकटे ने नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक आज़ाद बुक का नाम है आज़ाद और ये एक ऑटोबायोग्राफी है ऑफ विच पर्सन आपसे उस पर्सन का नाम पूछा गया है तो आंसर है गुलाम नाबी आज़ाद नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म सो राइट आंसर इज रचना बिस्वत रावत ये बुक इन्होंने लिखी है नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स आप इस बुक का नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये क्वेश्चन आपके लिए है नेक्स्ट इज रिचा मिश्रा ये एक राइटर हैं और ये बुक का नाम है अनफिल्ड बैरल्स इज ऑइल स्टोरी नेक्स्ट वन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी सो इनके ऑथर हैं सुरेश रैना नेक्स्ट इज बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ राइट आंसर इज़ हामिद अंसारी ट्वेल्थ प्रेसिडेंट थे इंडिया के नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयर आई क्वेश्चन रिफ्लेक्शन ऑन कंटेम्प्रेरी चैलेंज हामिद अंसारी इनकी बुक है ये हामिद अंसारी जी की दो बुक्स हैं आप इनको याद कर लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट वन इज़ अमिताभ कांत ये इनका नाम है और इनकी बुक जो लिखी गई है वो है मेड इन इंडिया सेवेंटी फाइव ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नेक्स्ट इज नारायण एन वैगुल रिफ्लेक्शंस ये इनकी बुक है और जो कि लॉन्च की गई है बाय निर्मल सीतारामन नेक्स्ट वन इज़ प्रीति शेनॉय और इनकी बुक का नाम है प्लेस कॉल्ड होम सलमान रोशदी इन्होंने लिखी है विक्ट्री सिटी शुभ्रा गुप्ता इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ सी रंगराजन फोक्स इन दी रोड माई डेज एट आर बी आई एंड बेउंड तो यहाँ पे हमारे सारे बुक्स के नाम ख़त्म होते हैं इसमें हमने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑथर्स और बुक्स के नाम डिस्कस किए हुए हैं सो थैंक यू सो मच गायस फॉर वॉचिंग माई वीडियो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो की पी चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे आपको सारी पी अवेलेबल हो जाएंगी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे